कैसे जीऊंगा मैं राधे राने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, हो श्यामा मन ही न माने तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊंगा मैं राधे राने तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं राधे राने तुम्हारे बिना। पतितों की पतवार तुम थाम लो मेरी श्यामा मेरी राधे मेरी श्यामा। प्यारी पतितों की पतवार तुम थाम लो, दिन दुखियों की सरकार तुम त्यों ही हो। अब जाऊं कहां मैं तुम्हारे बिना, हो श्यामा जाऊं कहां मैं तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, हो मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊंगा मैं राधे राने तुम्हारे बिना, हो कैसे जीऊंगा मैं राधे राने तुम्हारे बिना, हो कैसे जीऊंगा मैं श्यामा रानी तुम्हारे बिना, हो कैसे जीऊंगा मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। श्री राधे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते यस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। श्रीमद्भागवत पूजनं ध्यानं बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कंजाक्षं कंबुकंठं स्मितसुभगयुतं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थं युवतिसत्वृतं ब्रह्मगोपालवेशं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि तिलकं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय मल्ले भवामौलिगले तले च मालां विशालां तुलसी दले न शपुष्कराणां शुमनोहराणां मनोहराणां उपसर्पयामि।
सचंदन तुलसी दलम निवेदयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः नमस्करोमि। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः प्रणमामि नमस्करोमि सुखदेव पूजनम्। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनंदनाय नमो नमः श्री सुखदेवाय नमो नमः परमहंसाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पम निवेदयामि। एक तंत्रेणा सर्वोपचारार्थे गंधादि विषम पूज्य प्रणमामि नमस्करोमि बृंदादेव्या ध्यानम्। ओम श्री शते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपतनोभ्यातम् मा इष्टनिकाणा मुम्मयिकाण सर्वलोका मयिकाण बृंदादेव्यै नमो नमः। हरिप्रियायै नमो नमः। विष्णुवल्लभायै नमो नमः। प्रेयसै नमो नमः। श्री तुलस्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादिविस्सम्पूज्य प्रणमामि नमस्करोमि हनुमद्देवस्य पूजनम ध्यानम्। उल्लंग सिंधो सलिलम सलीलम यशोक बन्हीं जनकात्मजाय आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। राम भक्तंजनी नंदन संकट मोचन हनुमद्देवाय नमो नमः। मनसोपचारी प्रणमामि नमस्करोमि व्यास विष्णु स्वरूप पूजनम ध्यानम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतं गोविंद्र योगींद्र मथास्य शिष्यं। परम गुरुवे नमो नमः। व्यासाय नमो नमः। विष्णुस्वरूपणे नमो नमः। पुष्पं निवेदयामि तिलकं कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले पेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान में किस पावन पवित्र कथा से पूर्व मंत्र आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे भागवत जी के। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंगादिवि सम्पूज्य ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं प्रणमामि नमस्करोमि। सभी लोग पुनः आदर पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी श्रीमद् भागवत जी के भक्त सेवक जहां पर खड़े होकर के भागवत जी के पूजन में सम्मिलित हुए हैं सभी लोग जाकर के अपने अपने स्थान को पुनः सभी लोग ग्रहण करें। परमाराध्य ठाकुर श्री युगल विहारी सरकार की महती पावन दिव्याति दिव्य अनुकंपा से पावन कृपा से भारत भूमि की पवित्रतम भूमि अखंड भूमि भारत की राजधानी का इस पावन पवित्र क्षेत्र प्रशांत विहार के इस पावन पवित्र नगर के अंतर्गत अग्र बाल महासभा के इस भवन में बैठ करके हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब मानव जीवन के कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सत्संग प्राप्त होता है। जिनके अमृतमय वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर कथा का अवगाहन कर रहे हैं
इस रसामृत का आनंद प्राप्त कर रहे हैं श्रवण के माध्यम से। ऐसे भारत के युवा विद्वान बिंद क्षेत्र की इकलौती एक ऐसे विद्वान परंपरा की व्यास परंपरा के धरोहर जिनसे हम सभी लोग कई वर्षों से चिरपरिचित हैं, ऐसे श्रीमद्भागवत के परम विद्वान आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज के अमृतमय वाग्धरा से बागवाणी से जिनके वाणी में साक्षात यदि यहाँ तक कहें कि सरस्वती की पावन कृपा है तो संयुक्ति नहीं है, आपके ऊपर माता पिता के गुरु की विशेष कृपा है कि श्रीमद्भागवत के एक एक प्रसंगों पर आपका अधिकार है। यथाधीतम यथामति जो गुरु कृपा से प्रदत्त है वो आप लोगों को कथा के माध्यम से अधिक देने का प्रयास करते हैं। यह आयोजन श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति दिल्ली के माध्यम से प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी चल रहा है जिसका कि आज तृतीय दिवस है। समस्त आयोजक समिति की ओर से समस्त भक्तों की ओर से मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें, श्री चरणों में नमन करें। आइए हम सभी लोग भावपूर्ण भागवत जी को नमन करते हुए महाराज जी से निवेदन करें कि अपने अमृतमय वाणी के द्वारा, लालितमय वाणी के द्वारा, ज्ञानमय वाणी के द्वारा, भगवतमय वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी त्रिवेणी में इस कथा गंगा में हम सभी लोगों को सुंदर डुबो करके हम लोगों को श्रीमद् भागवत के दिव्य दिव्य अमृत के उन बूंदों को हम सभी लोगों को अब सिंचित करें पूज्य महाराज श्री जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री राधे ओम नमोस्तु रामाय यशलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानुलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार कमरुद्गणेभ्य ओम नमः परम हंसास्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम
चंद्राय विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्ते सिता मृषति निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय साचे दरबार की अपने अपने माता पिता सदगुरु देव की जय जय श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदेश्वर तड़ित पीताम्बरधारी अकारण करुणा वरणालय
भक्तवांछा कल्पतरु। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंदकंद भगवान श्याम सुंदर के पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक रसिक वृंद, शक्ति स्वरूपणी देवियों, श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली के समुपस्थित भगवत चरणानुरागी रसिक वृंद, विद्वत वृंद, विप्र वृंद, संगीतज्ञ कलाकार वृंद, कथा प्रसंग को विराम दिया गया था, परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर कैसे पधारे, संतों की शरणागति का फल क्या मिला उनको, साक्षात कृष्ण। सुखदेव जी के बारे में ऐसा मत है, कुछ लोग कहते हैं शिव ही हैं इस रूप में आए हैं और कुछ कहते हैं कृष्ण ही हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास नंदन के रूप में स्वयं भगवान का अवतार प्रकट। परीक्षित के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है, तो प्रभु ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रवेश किए। अब परीक्षित जी के ऊपर प्रयोग हुआ है शब्दास्त्र का, तो शब्दास्त्र से बचाने के लिए शब्दास्त्र के रूप में भगवान आए। हमको आपको बचाता है शब्द, हमको आपको डुबाता है शब्द, जिलाता है शब्द और मारता है शब्द, सारा खेल शब्द का है। शब्दो ब्रह्मैव केवलम, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द है। इसीलिए बोलने के पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको गलत लगता है आप उसके मुंह पर बोल दो, अच्छी बात है, पर यदि आप सामने में उसकी प्रशंसा किए और बाद में जाके बुराई किए तो वो गलत शब्द वायुमंडल में आकाशमंडल में घूमते रहेंगे, और जो गलत शब्द आप बोले हो एक वर्ष के बाद आपके जीवन उनका प्रवेश होगा और फिर वही गलत शब्द आपका पतन कर देंगे, आपका नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा, शारीरिक भी होगा और मानसिक भी होगा। उस समय फिर आप कहेंगे हम तो राम राम, किसी के साथ गलत किए नहीं, ऐसा हुआ क्यों, दिखाई नहीं पड़ेगा। सतयुग में इसका फल तत्काल मिलता था, त्रेता में इसका फल एक घंटे के बाद मिलता था, द्वापर में एक महीने के बाद मिलता था, और कलिकाल में इसकी अवधि है एक वर्ष के बाद। इसीलिए जो व्यक्ति केवल दूसरों की बुराई आलोचना में ही लगा रहता है, आप कभी भी देखना वो किसी प्रकार से खुशहाल नहीं हो सकता। कभी तन को लेकर वो रोएगा, कभी मन को लेकर के रोएगा, तो कभी धन को लेकर के रोएगा, वो हमेशा रोता है। इसलिए हमारे आपके जीवन की पूंजी है शब्द। परीक्षित के ऊपर जो प्रयोग हुआ है शब्दास्त्र का हुआ है, लेकिन परीक्षित भगवान के भक्त थे,
भूल तो हर किसी से होती है, मानव तन में भूल हो जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन अपनी भूल को मान लेना चाहिए। और वही भूल जब आपकी सुधर जाएगी तो आपके जीवन का असूल मिट जाएगा। परीक्षित से जो भूल हुई, एक तपस्वी संत के कंठ पर मृत सर्प डाले, उसको वो स्वीकार किए कि मुझसे भूल हुई, अपने गुरुदेव के समक्ष आकर के स्वीकार कर दिए। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जो आपसे बड़े हो, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, उनके सामने उच्च स्वर में ज्यादा बोलना नहीं। यदि आप उनके सामने उच्च स्वर में ज्यादा बोलते हो तो भी वाणी का बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो और इसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है। तो आइए, हमारे सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं, कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित जी हमारे संप्रश्न किए थे, म्रियमाण अवस्था में जो बैठा है उसको क्या करना है, इस तन की सार्थकता किस में, तन मिला किस लिए। अब सुखदेव जी हमारे उसका उत्तर देंगे, उसी उत्तर का आनंद लें। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, 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 श्याम रंग में रंग गई राधा हो, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूल सुध बुध सारी, बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, जोड़ी श्याम नाम की चूड़िया, ओ श्याम नाम की चूनर बोली, श्याम नाम की चूड़िया, अंग अंग में है श्याम समाए, मिट गई सारी दूरिया, अंग अंग में है श्याम समाए, मिट गई सारी दूरिया, कानों में कुंडल कुंडल गल बैजंती, माला लागे प्यारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। Thank you.
कदम के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। कदम के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे, सांझ सवेरे मुरली केसर राधा राध गावे। सांझ सवेरे मुरली केसर राधा राधा गावे। इस मुरली की वो इस मुरली की तान पे जाए ये सृष्टि बलिहार। सुधारस मुरली बाजे कान्हा रास रचावे। हर सुधारस मुरली बाजे कान्हा रास रचावे। कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसावे। कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसावे। प्रेम मगन हो मदन हो सब ही बोलो जय हो बात बिहारी। राधा के मन में बस गए 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 बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। आइए प्रार्थना करें, राधे से कृपा करो। राधे की कृपा से ही तो कृष्ण की कृपा है। राधे की बगैर कृपा कृष्ण की कृपा संभव नहीं है। राधे को आराधिए कृष्ण स्वयं मिल जाए। क्यों? राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। और जब तक ये भक्ति महारानी हमारे आपके मन में प्रवेश नहीं करेगी तब तक आनंद आने वाला नहीं है। तब तक आनंद आने वाला नहीं तो आइए आनंद कैसे मिलेगा। हमारे सुखदेव जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं, इसी का दर्शन करें। श्री सुख उवाच वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशुयः परः देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभः परापुंसां अन्त्ये नारायण स्मृतेः। सुखदेव जी ने कहा, अय परीक्षित, आप सचमुच में राजर्षि हो, राजा नहीं हो, अधम क्षत्रिय नहीं हो, आप तो राजर्षि हो। क्यों? आपने प्रश्न नहीं किया है, आपने संप्रश्न किया है। प्रश्न होता है स्वयं के कल्याण के लिए, संप्रश्न होता है मानव मात्र के कल्याण के लिए। साधकों के जीवन का सूत्र यही होता है, वो सबका कल्याण चाहते हैं। क्यों? सबका कल्याण है तो अपने आप हो जाएगा। अपने कल्याण की क्या चिंता? माता पिता को अपने पेट की चिंता नहीं होती, लेकिन बच्चों की चिंता। यदि बच्चे प्रसन्न हैं, उनका पेट भरा है, अच्छे कपड़े हैं, तो हमारी कोई चिंता नहीं। अपना तो ऐसा होता कि नहीं होता है कि माता पिता अपनी चिंता करते हैं? नहीं करते, कभी बच्चों की करते। संत, भगवान के भक्त, हमारे प्रभु अपनी चिंता नहीं, अपने भोले भाले भक्तों की चिंता किया करते हैं। संत और संसारी में यही अंतर होता है। आपने मानव मात्र के कल्याण के लिए संप्रश्न किया। म्रियमाण अवस्था में बैठा हुआ मानव क्या करना है? इस तन की सार्थकता किसमें है? तो परीक्षित, म्रियमाण अवस्था में बैठा हुआ जो मानव है, उसको चाहिए कि अपना मन भगवान की भक्ति में, भगवान के साथ लगा ले। और जब भगवान की भक्ति मन में प्रवेश करेगी तो कल्याण होगा। तो कैसे लगाए? बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, इंद्रियों को विषयों से खींचकर, इंद्रियों को विषयों से खींचकर, बुद्धि को सारथी बनाकर, मन को भगवान की किसी लीला से या भगवान के किसी अंग से जोड़ दे। इतना कह देने में इतना सरल तो नहीं कि ऐसा कर लेंगे कि कोई संशी लगा के खींच लेंगे, खींचाएगा। साधक लोग थोड़े में सब कुछ कह देते हैं। क्यों? यदि सामने वाला जिज्ञासु होगा, जानना चाहेगा, तो उसका विस्तार कर देंगे, यानी थोड़े में कह निकल गए। थोड़े महु सब कहाँ बुझाई, थोड़े में सब कुछ बोध करा देते हैं। तो ध्यान देना, कितना सुंदर सूत्र दे दिया। इंद्रियों को कहां से खींचना है? विषयों से। हमारी इंद्रियां जो विषय उन्मुखी हैं, उनको खींचो। बुद्धि को बनाओ सारथी, और फिर मन को भगवान के किसी अंग से जोड़ दो, भगवान की किसी लीला से जोड़ दो। तब आपके मन में भक्ति का प्रवेश होगा, और जब आपके मन में भक्ति का प्रवेश होगा तभी कल्याण होगा। क्यों? अभी हमारा आपका जो मन है, ये दो अवस्थाओं में है। या तो मूढ़ है, आप लोगों का ना होगा, अपनी बात करता हूं, आप लोग तो सब भक्तिरस में हो। मन की दो अवस्था है, या तो यह मूढ़ है और या विक्षिप्त है। विक्षिप्त समझते हैं ना? नहीं। अरे विक्षिप्त मतलब जो पागल होते हैं, मैले कुचैले कपड़ा पहने भटकते रहते हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, कभी कुछ मुख में डाल लिया, कहीं पड़े रहे। अब समझ गए,
कब किसको मार दें, कब किसको गाली दे दें। तो मन की दो अवस्था है, या तो विक्षिप्त है ये, या मूड है। मूड तो समझ गए ना, वो भी नहीं समझे। मूड समझ गए होगे, अच्छा चलो कुछ तो समझ रहे हो। हमारा आपका मन या तो मूड है या विक्षिप्त है। अब यदि हमारा मन विक्षिप्त है, मतलब अशांत है, यदि आपका मन अशांत है तो ना आपको भगवान की कथा अच्छी लगेगी, ना भगवान की सेवा अच्छी लगेगी, और ना आपको पकवान अच्छा लगेगा, ना आपको परिवार अच्छा लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पकवान कितने अच्छा बना हो पर मन अशांत हो, मेरी कुछ इच्छा नहीं खाने की। अब देखिए बड़े प्यार से बुला रही है, पर श्रीमान जी का मन विक्षिप्त है, अशांत है, तो क्या बोल जाएंगे कुछ पता, ठीक है कि नहीं। अब ऐसी अवस्था में यदि हमारा मन है और उस मन से हम सोचें भगवान मिल जाएं, तो संभव है क्या? विक्षिप्त मन में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। या हमारा आपका मन मूड है तो भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख व्यक्ति को क्या समझाओ? अच्छा महाराज, जो मूर्ख लोग होते ना, इनको समझाना भी बड़ा कठिन है। एक बार हमारे शास्त्री जी सुना रहे थे, ये भी अच्छे प्रवक्ता हैं, ऐसी बात नहीं। एक देवी थी पढ़ी लिखी, ध्यान सुनना, मूढ़ व्यक्ति को समझाने का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान सुनना। अब एक देवी बिचारी पढ़ी लिखी थी, शहर की थी, लेकिन संयोग बस प्रारब्ध बस उसका जो विवाह हुआ गांव में हो गया, और जिससे हुआ, एक तो होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, महामूर्ख से हो गया। लेकिन अब वो सोचती, चलो हमारे प्रारब्ध में जो था, अब वो आया ससुराल। जब ससुराल आया, अच्छा ससुराल कभी कभार जाना चाहिए कि नहीं? ससुराल गया, जब ससुराल गया, देवी इतना तारीफ कर रखी थी, लोग बड़े खुश हुए, अरे इतने योग्य हैं, इतने सुबुद्ध हैं। पर अब जमाई राजा घर में आए तो जमाई राजा आए हैं, तब इनको अब रोटी क्या खिलाना, चलो आज पूड़ी साग मसाला ये सब। अब छोटी छोटी पूड़ियां बनाते ना लोग छोटी, अब वो गांव का आदमी शुद्ध, सोचा इतनी छोटी पूड़ी को क्या तोड़ना। अब वो उठाए सब्जी डुबाए और ऐसे, आप बेचारी देवी पीछे से देखी, सब हंस क्यों रहे हैं, देखी तो जब देखी तो उसको लगा हे भगवान, ये तो बेइज्जती करा दिया। तो बेचारी इशारा करती है, क्या इशारा करती है, मतलब एक का दो कर ले, एक का कम से कम दो तो कर ले। तो उसने सोचा, ये कहती है एक ना खाओ दो एक साथ खाओ। अब ध्यान देना थोड़ा, अब वो कह रही है एक का कम से कम दो तो कर ले, चार न कर तो बाबा मेरी बेइज्जती हो रही है। तो उसने सोचा हमारी पत्नी कितनी समझदार है, अरे सोची होगी ये छोटी पूड़ी एक में क्या दो कर ले। तो वो दो पूड़ी एक साथ कर लिया और उस सब्जी डाल के अब सिर में हाथ पटकी ऐसे, हे भगवान अब क्या समझाएं। जब हाथ पटकी तो वो सोचता है, वो ये कहती है कि पहले सिर से लगा फिर खा, पहले सिर से लगा फिर खा। अब एक की दो पूड़ी ले और पहले सिर में लगाए फिर खाए। उसने कहा हे विधाता अब क्या कहें। तो पहले चूल्हे में बनता था ना प्रसाद, तो चूल्हे के पास आके जोर से कहती है, अरे चूल्हे तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जल, अर्थात कम से कम दो की जगह एक तो कर दे। जैसा पहले खा रहा था वैसे खा। तो ये होता है मूढ़ लोगों को समझाना।
अब मूर्ख बुद्धि के जो लोग उनको समझाना बड़ा कठिन काम होता है। अच्छा, ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए ना, उसके सामने ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। क्यों? ज्यादा बोलोगे परेशान हो जाओगे, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। एक और दृष्टांत दिमाग में बता के आगे चलता हूं। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, एक बार अपने पिता को लाओ। ठीक है, अब बीरबल के पिता घबरा गए, बेचारे सीधे साधे थे, पता नहीं क्या पूछेंगे और कहीं कुछ गलत बोल जाऊं तो। बीरबल ने कहा आप कुछ बोलना ही नहीं, वो कुछ भी बोले तो आप बोलने नहीं, बुलवाए बड़े साथ सम्मान के साथ, आइए बैठिए, और क्या हालचाल है, कुछ बोले नहीं, कैसे हैं, कुछ बोले नहीं, जितनी बात बोलता गया कुछ बोले नहीं। अकबर खींच गया, अरे बीरबल एक बात बताओ, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बोले जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना। समझ गए? अब वो तो सोचा था कुछ और, उल्टा उसको हो गया। तो समस्या ये है कि हमारा आपका मन तो मूढ़ है या विक्षिप्त है। अब किसी का मन मूढ़ अवस्था में है, अब उसको हम भगवान की कथा बताएं या कुछ बताएं, वो उल्टा ही चलना है। उसको इशारा करेंगे बाबा ऐसे कर, तो वो और उल्टा करेगा। इसीलिए लिखा है मूर्ख हृदय नचेत, जो गुरु मिले विरंच सम। ये बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। तो हमारा आपका मन श्रोताओ या तो मूढ़ है या विक्षिप्त है, इसको क्या करें हम? इसमें भक्ति रस का प्रवेश कैसे हो, भक्ति का सूत्रपात कैसे हो? तो इंद्रियों को विषयों से खींचो, बुद्धि को बनाओ सारथी, और फिर मन को भगवान की किसी लीला में जोड़ दो। और जब मन भगवान की लीला में लग जाएगा तो धीरे धीरे उसके अंदर वो रस प्रवेश, तब मन में प्रवेश करेगी भक्ति। और जब मन में प्रवेश करेगी भक्ति, तभी मिलेंगे आपको भगवान, तभी होगा कल्याण। सारी समस्या तो मन की ही है ना, सारी परेशानी मन की है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन होता है। अब इतना तो कह दिए, पर इतना कहने में समझ में आया नहीं, इसको और सरल कर रहे हैं। आगे कैसे करते हैं देखिए। दूसरा सूत्र, इस तन की सार्थकता भगवत दर्शन में है। जन्म लाभ परापुंसाम अंत्य नारायण स्मृति, इस तन को पाकर यदि परमात्मा का दर्शन कर लिए तो ये तन की यात्रा सार्थक है, और इस तन को पाकर परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए तो ये तन की यात्रा निरर्थक है। देह धरे कर, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहारी। देह धरे कर यह फल पाए, भजिय राम सब काम बिहारी। ये तन जो मिला है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजत, सब कुछ त्याग कर भगवान का चिंतन। और देखो एक बात ध्यान रखना, हम और आप रहें या न रहें, परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा की जो लीला है, वो यथावत चलती रहेगी। एक से एक राजा महाराजा आए और चले गए, तो क्या उनके जाने के बाद सृष्टि समाप्त हो गई? क्या क्या राजा खटवांग के जाने के बाद सृष्टि नहीं है, दशरथ जी के जाने के बाद सृष्टि नहीं है? सृष्टि तो यथावत चलेगी। हम और आप चले जाएंगे तब भी सृष्टि में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
ये हमारे आपके मन की मलिनता है कि इसको हम ही चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, इस तन की सार्थकता तो भगवत दर्शन में है, लेकिन आश्चर्य की बात, ये मानव देखता हुआ नेत्रहीन बन के बैठा है। ये देख रहा है कि हमारे सामने एक बालक का शरीर छूटता है, जवान का शरीर छूटता है, वृद्ध का शरीर छूटता है, कुछ लेकर के नहीं जाता। वही अवस्था तो हमारी आपकी होनी, और भगवान कृष्ण के भक्तों को मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए। जो मृत्यु से डरते हैं वो कृष्ण के भक्त नहीं होते, ध्यान रखना। क्यों? भगवान ने गीता में कहा कि काल के रूप में मैं ही आता। गीता उठा के देखिए, भगवान ने स्वयं कहा मृत्यु के रूप में भी मैं ही आता। तो ठीक है, नहीं आप इस रूप में आना चाहते हो, आओ ना, स्वागत है, परेशानी किस बात की, घबराना कैसा। तो परीक्षित, आप के अंदर जो जिज्ञासा है, इस तन को पाकर क्या करना है, जिसके पास जीवन में समय कम बचा हो क्या वो भगवान का दर्शन कर सकता है? तो आपको भगवान को पाना है तो आपके पास बहुत समय है। इस संसार में सबसे सरल है भगवान को पाना, उसके लिए एक ही कार्य करना पड़ेगा, संकल्प अपना दृढ़ होना चाहिए। संकल्प दृढ़ हो, कार्यम वा साध्येयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि या शरीर का त्याग, सफलता मिलती। और एक बात ध्यान रखना, सफलता किसी को कभी कोई व्यक्ति नहीं दिलाता है। किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसका स्वयं का विश्वास और उसका संकल्प ही उसको सफलता दिलाता है। किसी कार्य में यदि आप असफल हो रहे हो तो उसमें किसी का दोष नहीं है, आपके संकल्प का दोष है, आपके विश्वास का दोष है। ये भगवान की वाणी है, भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वयं का विश्वास होना चाहिए। हम चल पड़े हैं, यदि हमने कहा कि ये मेरा अपना है तो फिर है। मन में कुछ हो और वाणी में कुछ हो, क्रिया में कुछ हो, तो कभी कल्याण है तो है, अच्छा है बुरा है जैसा है तो बस एक लाइन है तो है। संकल्प दृढ़ो। राजा खटवांग को दो घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई, आपके पास तो 7 दिन का समय। संकल्प में ना हो संकल्पांतर, ध्यान में ना हो ध्यानांतर, तो कार्य की सिद्धि ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा आपका जो संकल्प है ना, ये ढुलमुल है, ये डगमगाता है, ये कमजोर है। और जिस दिन हमारा आपका संकल्प प्रखर हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं है। तो प्रभु, मन में भक्ति का प्रवेश हो, इसका कोई सरलतम सूत्र बताइए। हम तो जल्दी में समझ नहीं पाए, इंद्रियों को कैसे खींचें, बुद्धि को सारथी कैसे बना दें। आप तो संकेत में कह दिए, लेकिन ये समझना मेरे बस में। तो आगे बड़ा सरल सूत्र देते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जिते इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। जितासनो जितश्वासो, जितासनो का मतलब क्या है? आप जिस शरीर पर बैठे हो, जिस शरीर पर बैठ करके यात्रा कर रहे हो, पहले इस शरीर को नियंत्रित करो, ये तो आपके वश में हो। अच्छा, मजे की बात है, हम जिस शरीर पर बैठे हैं उसको तो बस में कर नहीं पाए, और दूसरों को बस में करने के लिए हम परेशान हो रहे हैं। दूसरों को बस में करने के लिए हम भटक रहे हैं, दूसरों को बस में करने के लिए लालायित हैं, ये संभव नहीं। जिता सनो, पहले शरीर को नियंत्रित करो, शरीर को अपने बस में करो, काबू में करो। जित श्वास, फिर श्वासों का जो क्रम है, श्वासों की जो धारा है,
उसको परमात्मा के नाम के साथ जोड़ो, फिर इंद्रियों को विषयों से खींचो, फिर बुद्धि को बनाओ सारथी, तब आपका मन भगवान में लग जाएगा। इसके लिए आपको किसी महापुरुष का संग करना पड़ेगा, किसी महापुरुष का आपको संग करना पड़ेगा। बगैर संग के ना कुछ हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। इसीलिए एक बात और ध्यान रखना, कई बार लोग कहा करते हैं, कथाओं में जाते हैं, बोले महाराज हम तो प्रवचन सुनने जाते हैं, अमुक संत का प्रवचन बहुत अच्छा था। कथाओं में अच्छा, आप लोग यहां प्रवचन सुनने तो आए हो ना, क्या करने आए हो बोलो? प्रवचन सुनने? यदि प्रवचन सुनने आए हो तो कथा के बीच में आपकी गर्दन यहां वहां घूमेगी, जो व्यवस्थापक उनके लिए छूट है। यदि प्रवचन में आप आए हो तो आपकी दृष्टि यहां वहां जाएगी, यहां वहां घूमेगी, बीच में बात करोगे। यदि सत्संग करने आए हो तो केवल आपका संवाद प्रवक्ता से होगा। ये दोनों का अंतर है। परीक्षित जी जब सत्संग किए तो परीक्षित का संवाद सुखदेव से और सुखदेव का संवाद परीक्षित से। हम लोग प्रवचन में जब बैठते हैं तो अपनी सहेलियों को अगल बगल बैठाते हैं, अपने मित्रों को अगल बगल, ताकि थोड़ा गर्दन घुमा के मुस्कुराते भी रहें, बीच बीच में हालचाल भी हो जाए, मनोविनोद भी हो जाए और प्रवचन का आनंद ले लें। हम कथा में किसी के साथ नहीं बैठे हैं, हम कथा में किसी के पास नहीं बैठे हैं, हम कथा में बैठे हैं तो कृष्ण के साथ, और बैठे हैं तो कृष्ण के पास। जिस दिन इसकी अनुभूति करोगे तभी कल्याण होगा। अमुक व्यक्ति बड़े गौर से कथा का रसपान करता है, यदि आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान कथा में नहीं है, आपका ध्यान तो उस व्यक्ति पर है। वो गौर से सुन रहा है या नहीं, ये आपको कैसे पता? अमुक व्यक्ति ने तो नहीं कहा कि आप गौर से कथा सुन रहे हो, पर आपने कैसे कहा, इसका मतलब आपका ध्यान वहां भंग हो रहा है। और सत्संग में ध्यान भंग मत करना, 4 घंटे के लिए एकाग्र कर लिया करो, बाकी ठीक है कहीं भी जाओ, थोड़ा एकाग्रता लाओ और इसका लाभ लो और अपना कल्याण करो। परमात्मा की कृपा हो, आपके मन में मेरे कृष्ण की भक्ति बैठ जाए बस, और कृष्ण की भक्ति यदि आपके मन में बैठ गई है तो फिर आगे हमको आपके लिए कुछ नहीं सोचना, फिर तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। और जब आप अपना कल्याण कर लिए तो जिस कुल में आप आए हो उसका कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए श्रोताओं प्रयास किया करो, सत्संग करें, हमारा संवाद होना चाहिए। उद्धव गोपी